अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने 3D में एक्सट्रूड की कमांड, रिवॉल्व की कमांड, स्वीप की कमांड, डिफरेंट 3D कमांड्स जो है ना हम यूज कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो है हम लूफ की कमांड का यूज देखेंगे कि लूफ की कमांड को हम कैसे यूज करते हैं ऑटोकैड में, और इससे हम कौन कौन सी शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। So it is similar to extrude command, but it is a more versatile command than extrude, because extrude gives only some of the options, but in lofting there are more and more options to draw different type of objects. So instead of extruding a single shape, this command extrude several shapes at a time, not only a single shape as in extruding. There is only a one shape that can be extruded, rather it is a circle, rather it is a square or any other shape, but loofed command allows different types of shapes to loofed at once इन अ सिंगल कमांड। एक ही कमांड में, एक ही दफा में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लूफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि हमने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए, उनको अलाइन किया इस तरह से, ठीक है। कुछ सर्कल्स हैं और कुछ एलिप्स हैं, सेंटर में एक ये बड़ा सर्कल है। अब ये जो शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये दो एलिप्स और एक सर्कल, इनको हमने नीचे वाली साइड पे भी कॉपी कर लिया और ऊपर वाली साइड पे भी। ये टॉप व्यू में है और ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इस तरह से कुछ। हमने इसको ड्रॉ टॉप व्यू में करना है। जब हम इसका फ्रंट व्यू करेंगे, ये फ्रंट व्यू में है, तो हमें सारी ये जितनी भी शेप्स हैं ये इसी लाइन पे शो होंगी। हमने आइसोमेट्रिक व्यू करके इनको मूव कराना है। ये तो ये यहीं पे रहेगा, इसको मूव करा लेना है, इसको मूव करा लेना है, इसको मूव करा लेना है, ठीक है, और फिर इसको लॉफ्ट कर देना है। लाइक दिस, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का ये जो है ना शेप बन जाएगी। अब फ्रंट व्यू में जाएंगे तो देखें आप, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये हमें वो एक लाइन की फॉर्म में शो होगा। हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे और इनको मूव करेंगे, मैं इसको 30 का मूव करा देता हूं। ये डिस्टेंस थोड़ा है क्योंकि मेरी शीट का साइज ज्यादा है, तो इसलिए 30 का डिस्टेंस जो है वो कम है इसको मूव कराने के लिए, तो हम इसका डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। ऑर्थो होना चाहिए हमारा, तो हम इसको रैंडम मूव करा लेते हैं, फिर इसको भी। इसको भी
फ्रंट व्यू में आ जाएं दोबारा से। अब देखें इसी तरह से, अब इन तीनों को कॉपी करें या मिरर कर लें बेशक। मिरर नहीं होगा, वो व्यू डिफरेंट है। हम इसको कॉपी करेंगे, एक मिनट, मिरर हो जाएगा ये ना। वो हम 3D में काम कर रहे हैं इसलिए वो थोड़ा सा पॉइंट्स को पिक करने में प्रॉब्लम आता है। ये लेंच, अब इसको ऑटोमेटिक में जाएंगे तो ये इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर था, हमने इसको करना था, ठीक है। अब इसी को, अब हमने यहाँ ये कर तो लिया है तो इसको हम लूफ की कमांड इस पे अप्लाई भी कर देते हैं। लूफ की कमांड सेलेक्ट करनी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वो कह रहे हैं, और जिस तरह से हमने उसको जिस सीक्वेंस में लूफ करना है ना उसी सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है, एंटर करूंगा। अभी हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, पाथ वगैरह को नहीं कर रहे, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, रोल्ड सरफेस हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब इसकी शेप उस तरह की इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमने ये जो जितनी भी हमने अपनी शेप ड्रॉ की थी वो रैंडम ड्रॉ की थी, ठीक है, तो इसलिए इसकी शेप इस तरह की बनी है, ठीक है। ये देखें है, सेम ही है, जैसे ऊपर है उसी तरह की नीचे है, लेकिन वो सेम उस तरह की नहीं बनी। ओके जी, तो आप ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड इसके डायमेंशंस गिवन है, तो आपकी शेप यही बनेगी सेम। मजीद इसकी हम प्रैक्टिस के लिए हम ये देखते हैं आपने क्या करना है कि हमने एक ट्विस्टेड क्यूब ड्रॉ करना है। उसके लिए 20x20 का एक स्क्वायर ड्रॉ करें, ये 20x20 का, उसको उसी जगह पे कॉपी कर लें, फिर उसको रोटेट करें 45 के एंगल पर, सिंपल रोटेट की कमांड यूज करते हुए, फिर उसको मूव करा लें, ठीक है, जैसे अभी हमने इन सर्कल्स को मूव कराया था, एलिप्स वगैरह को, इसी तरह से ना इनको मूव करा लें। सो ये वाला एंड जो है वो ड्राइंग हमारी बन जाएगी ये वाली। सो फिर इस तरह से लूफ की, ये लूफ के कमांड का प्रोसीजर बताया गया, तो ये जब हम उसको एंटर करेंगे उसके बाद ये बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स का मैंने बताया स्मूथ फिट नॉर्मली हम यूज करते हैं, ये नॉर्मल फिट है, रूल्ड है, तो ये आप डिफरेंट ट्राई करोगे आपको आइडिया होगा। नॉर्मल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर 3-4 शेप्स थी ना, बल्कि ज्यादा ही शेप्स थी, तो हर अगर हम नॉर्मल टू, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना नॉर्मल टू ऑल क्रॉस सेक्शंस, इसका मतलब है जितनी भी शेप है वहां पर जब ये वाली लाइन इस ये सरफेस इस सरफेस से मिलेगी तो वो नॉर्मल मतलब 90 के एंगल पे मिलेगी, ठीक है। और दूसरा इसमें ऑप्शन ये होता है कि नॉर्मल टू एंड क्रॉस सेक्शन ओनली, इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ इस शेप पे और इस शेप पे 90 के एंगल पर होगी, बाकी सारी स्मूथ होगी, 90 के एंगल पे नहीं होगी। मतलब ये जो एलिप्स इस एलिप्स से मिलेगी शेप जो उसकी कर्व बनेगी वो 90 के एंगल पे नहीं बनेगी जब यहाँ पे इस पे मिल रहा होगा, ठीक है, इसके साथ टच हो रहा होगा एट द एंड। सो इस चीज को अभी आपने प्रैक्टिस करना है। इसके लिए क्या कि ये छोटा एक सर्कल है और एक ये जो है वो पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन ड्रॉ की हुई है, और यहाँ पर एक आपने यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर इसको एक लूफ करना है। ये वाली चीज कैसे करेंगे अभी, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तो किसी एंगल पे है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं।
ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकल की क्लास में ये हम डिस्कस करेंगे, तब मैं बता दूंगा। इसमें हमने रोटेट की कमांड, 3D रोटेट यूज करना होता है। तो ये वाली ड्राइंग आपने ड्रॉ करनी है इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। शीट का साइज कम रखिएगा जब इसको ड्रॉ करने की, इसकी डायमेंशन कम है, और इसको जब मूव कराना है ऊपर की तरफ, मतलब ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये सारे ये वाले जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं हमने, सर्कल और एलिप्स वगैरह। ये सर्कल्स हैं सारे, यहाँ पर वो जो ऊपर ऑब्जेक्ट था उसमें एलिप्स भी थी, तो इसकी शेप डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, इसमें सारे सर्कल ही हैं। आप सर्कल से ही इसको प्रैक्टिस करें, तो उनको वन के डिस्टेंस पे सबको आपने ऊपर मूव करा लेना है। एक आपने ये चीज ड्रॉ करनी है, इसमें ये तो सिंपल है, इसमें इसकी डायमेंशन भी दी गई है, ये देखें, ये एक स्क्वायर ड्रॉ होगी, ये एक स्क्वायर ड्रॉ होगी, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। तो ये आपने इनको इस तरह से ड्रॉ करके इनको मूव करा लेना है जितना डिस्टेंस बताया हुआ उतने डिस्टेंस पे, और फिर इस पे लिफ्ट की कमांड यूज आपने अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये कार्व्ड है ना, तो इसके लिए इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपने फिलेट की कमांड यूज कर लेनी है, ठीक है। फिलेट की कमांड यूज कर सिलेक्ट करके रेडियस एंटर करके, तो आप ये एज सिलेक्ट करोगे तो वो उसको फिलेट कर देगा। इसी तरह से ये वाले एजेस भी, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये वाली चीज ये फिलेट हुई हुई है, ये यहाँ पे भी फिलेट हुई है और ये इस डायरेक्शन में भी फिलेट हुई है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें आपने इतना जो इसका पोर्शन है ना वो आपने ड्रॉ करना है रिवॉल्व की कमांड से। ये देखें, ये ब्लैक कलर में जो शेप शो हो रही है ये आपने ड्रॉ करनी है, इतनी शेप ड्रॉ करेंगे और उसको रिवॉल्व कर देंगे, ये शेप बन जाएगी। उसके बाद इसके सेंटर में यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके इसका डायमीटर हुआ है 0.5, तो वो आपने ये इसको एक्सट्रूड कर देना है। आप ये इस कितना एक्सट्रूड करना है, ये एक्सट्रूड कर लें इसको, एक्सट्रूड ही बेहतर है, वो आप यहाँ से जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, ठीक है। मतलब ये वाला डायमेंशन 2 होगी टोटल, तो 7 में से 2 माइनस हुए तो 5, तो ये 5 का आपने एक्सट्रूड कर देना है। फिर वहां फिर आपने ये जो चीज है ये अलहदा ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये अलहदा ड्रॉ करके, बल्कि बेशक इसके सामने ही ड्रॉ कर लें, या ये वाली ये जो है रेक्टेंगल साइड पर ड्रॉ करके उसको मूव करा लें इसके सामने, और फिर लोफ्ट की कमांड आप यूज करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप उसी का ऑफसेट ले लेंगे, तो ये वाली ये जो है रेक्टेंगल ये बन जाएगी, तो इसको मूव करा लेंगे आगे। बेसिकली ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उसी का ऑफसेट ले लेंगे इसके अंदर वाले साइड पे, फिर उसको मूव करा लेंगे आगे वन के डिस्टेंस पे, तो आप फिर इसको इस पे लूप की कमांड अप्लाई करेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए यही था, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, बाकी प्रैक्टिकल की क्लासेस में हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।